ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है, जिसके द्वारा हमारे अंदर वह अद्भुत शक्ति आए। कम से कम कपाट तो खुला रहे, अभी तो उल्टा है, अगर धारा भी आ रही है तो नहीं अंदर प्रवेश कर पा रही। ऐसी विशेष शक्ति का सृजन हम तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर व्यक्तिगत रूप से परिवर्तन हो, हमारे अंदर वह चेतना जागृत हो जाए। तो आज के इस सत्संग में सदगुरुदेव भी स्वयं उपस्थित हैं। मैं आप सभी से आवाहन करना चाहूंगा कि आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर जाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। और जब हम उस ज्ञान के साथ जुड़ते हैं तो हम पूरी तरह से जुड़े कि आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर जाएं बीच और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। एक चीज 10 चीज करनी है, अगर दो चीज या तीन ज्ञान के साथ जुड़ते हैं तो वास्तव में परिवर्तन पूरी तरह से जुड़े। जब तक हम अपने आप का समय एक समय निर्धारित करें और अपने आप को उस चेतना के साथ जोड़ने का प्रयास करें। सदगुरु सत्ता तो स्वयं सब कुछ करा देती है, सब कुछ तो हो जाता है, लेकिन हमें एक प्रयास भी करना है। सब कुछ तो हो ही जाएगा, बहुत एक क्षण में हमारी चेतना उड़ हो जाती है। 10 मिनट नहीं चाहिए, बहुत एक घंटा भी नहीं चाहिए, एक क्षण का। सदगुरुदेव की कृपा से सब कुछ हो जाता है। हमारी सदगुरु दीन दयाला जाहि पर कृपा, किन्ना तोड़ मोह भ्रम जाल, अमर पद पल बेदिन। फिर क्या कहते हैं, निराकार साकार पार हो सत्य निर्धारा, अज अनादि गुरु भेद भेद तुरिया से, जाहि पर कृपा सत्ता तुरिया से, मोह भ्रम जाल अमर पद पल बेदिन। फिर क्या कहते हैं, निराकार साकार पार हो, अगर पूरी वंदना उस अज सतु सदाफल दे, भगवान का पूरा जीवन अपने गुरु के लिए ही समर्पित हो गया। सेवा में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, हमें भी एक सेवक बनना है, हमारे अंदर भी वह सेवा भावना आए जिसके माध्यम से हम भी सेवा के गुणों को, सेवा के तथ्य को हम समझ सकें। सेवा का अर्थ क्या है? सेवा का मतलब ये नहीं कि हम केवल शारीरिक रूप से सदगुरुदेव की सेवा करें या आश्रम की सेवा करें। अगर हमारी अंदर कोई कुत्सित विचार आता है और हम उसे शांत कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, हम मन के प्रवाह और मानसिक तरंगों में वाचाल नहीं होते, वो भी एक सेवा है। हम विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, सदगुरुदेव का स्मरण करते हैं, हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो भी एक सेवा है। अगर ऐसा हो गया, हर व्यक्ति एक विहंगम योग का उदाहरण बन जाएगा। कितना अच्छा है जब हम शांत रहते हैं और दूसरा व्यक्ति यह उम्मीद लगाए बैठता है कि वह मुझे कुछ बोलेगा। क्या आपने इसका अनुभव किया है? दूसरा व्यक्ति चाहता कि आप लड़ें, जबकि आपकी मनोदशा शांत है। कितनी ऊंची बात है। क्यों, क्या आप एक व्यक्ति देखते हैं, एक व्यक्ति बैठ गया, क्या तो 45 मिनट बैठ गया, एक घंटा साधना करने के लिए बैठ गया,
लेकिन उसके बाद व्यवहार को जब हम देखते हैं, उसने गलत शब्दों का प्रयोग किया, छोटी मोटी कुछ कुछ ऐसी चीज हो गई जो उसको अहंकारी बना देती है और वह उसका उसकी वाणी चपल हो जाती है, उसको किसी पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो क्या उसकी 45 मिनट और एक घंटे की साधना का कोई अर्थ है? नहीं, वो कोई सेवा नहीं। चाहे वह सफेद कपड़ा पहने, चाहे पीला कपड़ा पहने, वो समाज के लिए एक बोझ है। समाज के लिए जो समाज के अग्रणी है, जो समाज को आगे बढ़ाने वाले हैं, वो संयमशील हैं, वह शीलता है, शांति है, विवेक है। शीलता, शांति, विवेक एक साथ का समन्वय एक सेवक के अंदर पाया जाता है। शीलता, शांति और विवेक, तीन चीज सेवक का गुण है। क्या हमारे अंदर वो गुण विद्यमान है या नहीं, ये हम अपने आप को देखें। किन 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 परिस्थितियों में मेरा मन चंचल हुआ, जिसके द्वारा हमारी वाणी चपल हुई, हमारा व्यवहार कुत्सित हुआ, हमारे अंदर गलत संस्कार आए, क्या इसका एक विचार है हमारे पास? और हम कहते हैं कि हमारा जीवन में कुछ होता ही नहीं। इन बारीक चीजों को, छोटे चीजों को समझना ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, नहीं तो पता चलेगा कि ब्रह्म विद्या अभिंगम योग का उपदेश तो ले लिए, प्रथम भूमिका, दूसरी भूमिका, आनंद तो लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि तो ज्ञान धारा तो अमृत ही है, तो अच्छा तो लगना ही है। लेकिन कई वर्षों बीत गए, लेकिन जीवन में कुछ आज विशेष नहीं दिखता, और ईश्वर ने वह शक्ति हमें दी है कि हम इस तथ्य को समझें। हम एक एक व्यवहार हमारा आध्यात्मिक हो, हमारी एक एक शब्द सुंदर हो, स्वच्छ हो, हमारा एक एक पग जब चले तो मानो कि हम ईश्वर के प्रति धन्यवाद दे रहे हैं। हम स्वयं शांतिपूर्ण हो जाएं, स्वयं शील हो जाएं, हमारे अंदर एक विवेक जागृत हो जाएगा, तभी हम विहंगम योग के प्रचारक हो पाएंगे। अन्यथा विहंगम योग के प्रचारक हम नहीं हो सकते। इसीलिए यसंत पथ है, इसमें बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है, समय की एक सीमा है। संश्री का वचन, उसके पश्चात सदगुरुदेव की वाणी। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आज की इस बेला में आप ब्रह्म विद्या विहंगम योग के उस अजस्त्र धारा को, अजगुरु के ज्ञान को, सदगुरु सदाफल देव भगवान जिनके माध्यम से इस ज्ञान में स्पंदन होता है, इस ज्ञान की तरंगे उठ जाती हैं, उसके ग्रहण के योग्य बने, उसको हम अपने जीवन में उतार लें, उसको हम अपना जीवन ही बना लें। ऐसी एक सोच, ऐसा एक संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए, ऐसी एक विरह होनी चाहिए, और मुझे वह विरह आपके अंदर, सभी के अंदर दिख रही है। तभी आप इतने गर्मी में भी, इतने प्रतिकूल समय में भी आप यहां पे शांत हैं, क्योंकि परिवर्तन आप चाहते हैं कि हमारा जीवन उत्कृष्ट हो, मानवीय जीवन उत्कृष्ट हो। सदगुरुदेव की विशेष धारा आपको यहां पे खींच लाई है, तो एक एक व्यक्ति महान व्यक्ति है इस प्रांगण में, प्रणाम के योग्य है, यह सत्य है। नहीं तो बहुत सारे भ्रमित व्यक्ति इधर इधर उधर संस्कार बस, कुत्सित विचार बस जा रहे हैं। धारा सही है,
स्थान सही है, बस हमें धैर्यता से इस ज्ञान के साथ से धारा के साथ लगे रहना, सदगुरु चरणों में हमारी बरकर लगे रहना है। और सदगुरु देश दाफल देव जी महाराज के स्वयं जीवन को देख के प्रेरणा लेनी है। वह जो ज्ञान, जो सत्ता जो ऊपर थी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसका जीवन शुरू कैसे होता है? प्रथम बंधो गुरु चरण रज, गुरु चरण रज, प्रथम बंधो गुरु चरण रज, जिन गम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दरस दिखाइया। देखिए कितनी, सदगुरु पंकज चरण रज बंधो परम पुनीत, जा ही कृपा भव दुख मिटे, भक्ति मिले सतचीत। देखिए एक एक चीज में अद्भुत आध्यात्मिक सृजन है। भक्ति मिले सतचीत, कैसे भक्ति मिलेगी? जब हमारी चेतना ऊपर जाती है तो एक शब्द जैसे लगते हैं अध्यात्म से पिरोया हुआ है। इस तरह नहीं लगेगा, इस तरह तो ऐसे ही है, चल रहा है गाना, चल रहा है, क्या फायदा चल रहा है। लेकिन एक साधक जब साधना में उतर जाता है, स्थिरता हो जाती है, मन शांत हो जाता है, तो एक शब्द अद्भुत लगते हैं। देखिए सदगुरु सदाफल देव भगवान का जीवन कैसे अपने गुरु के प्रति समर्पण। हमारे पास क्या है? हमारा भी जीवन उसी धार के साथ जुड़ना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए सदगुरुदेव को यह सब लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम लोगों के लिए पढ़ के हम लोग इसका पालन करें, उनको आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने हमारे लिए किया है, हम सभी के लिए किया है, और पूरे मानवता और मानव मात्र के लिए किया है। इसके प्रति पूरी मानवता उनका कृतज्ञ है। हम लोग अपने जीवन में उस तथ्य को ग्रहण करें, तभी हमारा जीवन वात्सल्य और प्रेम में होगा। तभी हम प्रेम पूर्वक सबसे व्यवहार कर पाएंगे। तभी हमारे अंदर वह जो अहंकार की चिंगारी है, काम वासना की चिंगारी है, शांत होती है। जब हम प्रेम पूर्वक हो जाते हैं, हर में हर कार्य में प्रेम का सृजन हो जाता है, हर चीज शुद्ध दिखने लगती है, शुद्धता हर चीज में प्रतीत होने लगती है। चीज तो वैसी ही है सभी के लिए, पर कोई विशेष साधक है, विशेष चक्षु प्राप्त हो जाते हैं, उसी विशेष चक्षु की आवश्यकता है। अभी तो सब दिखता ही नहीं, उसको यह पूरी प्राण शक्ति दिख जाती है, खाली स्थान नहीं दिखता। जो यह जो प्रकाश है, लाइट है, वह एक कलर के रूप में, साइंस बोलता है मल्टीपल कलर रिफ्लेक्टिंग, तो एक प्रकाश के रूप में वह हमें प्रतीत होता है। तो कुछ विशेष बदलता नहीं, चीजें वैसी की वैसी ही रहती हैं, पर हमारे देखने का जो अनुभव है, देखने का जो माध्यम है, देखने का जो तरीका है, एक विशेष चक्षु के माध्यम से हम देख पाते हैं। हम ऐसे भी न हो जाएं, हम ऐसे दंभी भी ना हो जाएं कि हम कुछ बदलाव की संभावना ही नहीं रखें। हमें बदलाव की विशेष आवश्यकता है, और वह तब होगा जब हमें सद्गुरुदेव के चरणों में दीन अधीन अमानी बनकर हम उनकी सेवा करें, हम उनकी शुश्रूषा करें। तभी हमारे जीवन में वह ज्ञान का सृजन हो सकता है, और हम दृढ़ संकल्पित हों अपने ज्ञानेंद्रियों के प्रति कि हम जो भी करेंगे, जो भी सुनेंगे, जो भी देखेंगे, जो भी बोलेंगे, वह शुद्ध होगा। इसके प्रति
आपको दृढ़ संकल्प होना ही होगा। ये भी कहा जा सकता है सदगुरु की धारा से जुड़ने के बाद वो सब अपने आप हो जाता है। साधना और सर्वेद के पाठ से, सद प्रकाश के भजनों के माध्यम से हमारे जीवन में वह कुछ संस्कार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी हवाएं बदल जाती हैं और हम उसमें ढल जाते हैं। हमारे अंदर स्थिरता नहीं रहती, हम वैसा कार्य करते हैं जिससे हमारी आत्मा की शक्ति छीण हो जाती है। वास्तव में प्रचारक और साधक कहलाने लायक वही है जो हर परिस्थितियों में, हर काल में समान बात और व्यवहार करे, अदरवाइज और कोई विकल्प नहीं। समय की सुड़ी आगे बढ़ रही है, पूरे 8:02 हो चुके हैं, सदगुरुदेव की अमृतवाणी का समय है। मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहूँगा, आवाहन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सभी भी एक दृढ़ संकल्प लेकर यहाँ से जाएं कि हमारे जीवन में हमारा सदगुरुदेव का इतना विशेष ज्ञान हम उसके योग्य हो पाएं। लोग कहें, पूरा संसार हमें देखे, और यह स्वतः हो जाता है, और यह करने के लिए हमें स्वयं अपने कर्तव्यों को देखना होगा, हमें अपने अंदर अवलोकन करना होगा, तभी हम अध्यात्म के इस ज्ञान को, ब्रह्म विद्या अभिहंगम योग के ज्ञान को, अज गुरु के इस ज्ञान गंगा को हम आगे बढ़ा पाएंगे। आप सभी के प्रति मैं सद्गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अंदर वह ज्ञान आए जिसके द्वारा हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे दें। हमारा जो जीवन है सत्य संकल्प वाला हो जाए, हमारा जो जीवन है वह अध्यात्ममय हो जाए, और जो भी प्रकृति के कार्य हैं वह आत्मा के अनुकूल हो जाए। जब हमारा कार्य आत्मा के अनुकूल होने लगता है तो हम उस सत्ता से स्वयं जुड़ जाते हैं। हम कुछ करते नहीं, हम कराए जाते हैं, हम माध्यम बन जाते हैं। कम से कम हम माध्यम बनने के योग्य तो हो जाएं। ऐसे संकल्प के साथ हम यहां से जाएं, क्योंकि सत्ता तो अपना कार्य कराती ही है। सत्ता किसी से भी अपना कार्य करा सकती है, किसी विशेष की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन हमारा एक प्रयास हो। अनंत सुदाफल देव जी महाराज जब वृतिकूट की गुफा में साधना करते थे तो उनको यह अनुभव होता था कि कैसे मैं अपने प्राणों को मन के साथ शांत करके उस अवस्था में पहुंच जाता हूं जहां पर अक्षर का प्रकाश है, और उस समय भी उनको नित्यानंद स्वरूप देव का सानिध्य था। पर इसमें दृढ़ता लाने के लिए कई सारे प्रयोग किए गए ताकि विहंगम योग का प्रचार आगे बढ़ सके। इसलिए एक बार करने से कुछ भी दृढ़ नहीं होता, उसको बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। सद्गुरुदेव को स्वयं करनी पड़ी और नित्यानंद सद्गुरु को कई बार आके दर्शन देना भी पड़ा, तो कोई भी क्रिया एक बार में सफल नहीं हो पाती। हम अपने जीवन को भी देखें, अब कभी हतोत्साहित ना हो। एक बार कोई कार्य असफल होता है तो हम बिल्कुल दृढ़ रहें और शांत रहें और विवेकशील रहें और सद्गुरु चरणों में अमानी बनकर रहें, तब हमारा जो जीवन है वह अध्यात्म के
लायक होगा, अध्यात्म के पथ पर चलने योग्य होगा। सद्गुरु चरणों में हम प्रार्थना करें कि हम उस शक्ति के साथ, उस ज्ञान के साथ आगे बढ़ें, ताकि हमारा जो जीवन है धन्य हो जाए, हम अपने जीवन में सभी कार्यों को कर पाएं जो आत्मा के अनुकूल हैं, हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लें, जो भी इच्छाएं हैं हमारी मन की वो भी स्वयं अपने आप में पूर्ण हो जाती, समय काल से स्वतः पूर्ण हो जाती हैं, अगर हम अपनी सभी कर्तव्यों को आत्मा के अनुकूल कार्य करना शुरू कर दें तो एक धारा के साथ हम जुड़ ही जाते हैं। जैसे कि हमारे ऊपर कोई शक्ति आ गई, हमारे ऊपर कोई प्रवाह आ गया और हमें एक दिशा मिलना शुरू हो गया, हमारे अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमारे पास सेंस ऑफ क्लैरिटी है, हम सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, हमें कब क्या किस तरह से क्या करना है इसकी स्पष्टता हो जाती है। और विहंगम योग का दूसरी भूमिका साधक इसे प्राप्त कर लेता है। तो आप अपने आप को देखें कि हम प्रथम भूमि के साधक हैं, द्वितीय भूमि के साधक हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या हो रहा है। इसीलिए आवश्यकता है हम सद्गुरु चरणों में बार बार वंदन करूं। कितनी बार सद्गुरु देव हमार, बार बार हम उस सद्गुरु देव का स्मरण करते रहें, यहां वहां सब ठाम में महिमा परंपार, तभी हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन होगा। यह पुनरावृत्ति का खेल है, उस धारा में प्रवाह में ही हमें रहना ही पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में एक विशेष गति मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है। समय काफी हो चुका है, सदगुरुदेव स्वयं उपस्थित हैं, सदगुरु स्वयं उपस्थित होते हैं तो बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी वाणी होनी है और दूसरों को बोलना पड़ता है। मैं ज्यादा समय ना लेके मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी एक संकल्प के साथ जाएं कि हमारा जीवन खुद एक अध्यात्म हो जाए। बहुत बड़ी मैनेजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, मैनेजमेंट इधर सही करना है, बाहर का मैनेजमेंट स्वयं सही हो जाएगा। इस पर विशेष ध्यान दें, जो भी जिस सत्ता को से साथ जुड़े हैं, वह सत्ता एक ऐसी धारा है कि क्षण मात्र में हमारी चेतना को उर्ध भी कर सकती, हमारे कई जन्मों के कुसंस्कार को शांत भी कर सकती है, और वह सत्ता ऐसी भी है जो आपकी चेतना को उर्ध ही नहीं, वह उस निरति के साथ जोड़कर उस विभू उस परम चेतना के साथ आपको लीन भी कर सकती है। वही शक्ति है विहंगम योग, और वह कराता है सदगुरु, धार है सदगुरु। इसीलिए सदगुरु के प्रति आस्था विश्वास हो और उनके चरणों में दीन अधीन अमानी होकर और अपने कर्तव्यों और कुसंस्कारों को उनके चरणों में देकर हम सभी कार्यों को आत्मा अनुकूल करें। एक एक कार्य जो जीवन में हमारे संपादित हो रहे हैं हमारे माध्यम से, उसका अवलोकन हम जरूर करें और उसमें शुद्धता लाएं, तभी वह सदगुरु प्रसन्न होगा, तभी हमारी चेतना ऊपर जा सकती है, तभी वह प्रवाह आ सकता है। इसी विचार के साथ, इसी सोच के साथ मैं सद्गुरु चरणों में आप सभी के साथ मिलकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी चेतना को ऊपर ले जाएं, हमको दृढ़ करें, हमें स्थिरता दें, हमें शील दें, हमें शांति दें, हमें विवेक दें, हर काल और हर परिस्थिति में हम एक समान आत्मा के अनुकूल रहें, ऐसी शक्ति अजगुरु दें, ऐसी सदगुरु सदा फल दे भगवान दें। इन्हीं वाणी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल सुरदेव भगवान की जय।